मेरा बेटा भी रोजे में 23 रोजों में प्यासा शहीद हो गया। कोई लड़का आके इसको गोली लगा, आके बोला आरिफ पानी पी। आरिफ ने बोला मेरा रोजा है, मैंने पानी नहीं पीना है। आरिफ आपको गोली लगा, आप जख्मी हो गया, फिर गिरा था जमीन पे। सैयद आरिफ हुसैन 22 मई 1989 को क्वेटा में पैदा हुए। वो बलूचिस्तान हॉकी टीम में बहैसियत गोलकीपर खेलते थे। सैयद आरिफ हुसैन 3 सितंबर 2010 को मीजान चौक क्वेटा में होने वाले बम धमाके में जख्मी हुए और अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक के हकीकी से जा मिले। इमामबाड़े में गया, 52 क्लास इमामबाड़े में, आप उसके मुँह देखने आ जाओ। हम सारे घर वालों के साथ उसके मुँह देखने गया, तो उधर आप किसके मुँह देखना है? मैंने बोला हमने फैजल के, सईद फैजल के मुंह देखना। आपने सईद फैजल के मुंह देखना है, सईद आरिफ का मुंह देखना। फिर मेरा कोई होश नहीं रहा, अपना बेबस हो गया। अल्लाह ने बस इसका इतना, इसका जिंदगी था, 21 साल दुनिया पे आया था, माँ का कलेजे जलाने के लिए बस वो चला गया। वो बहुत अच्छा था शुरू से, उसका बड़े के साथ उठना बैठने के शौक़ था। मस्जिद पे हर टाइम से नमाज के लिए जाते थे, मस्जिद में इतना खिदमत करते थे, नमाजों का चप्पल सीधा करते था, चप्पल संभाल करके रखते थे। मैंने बोला ये क्यों करते? बोलते ये लोग का चोरी होता, गुनाह। मेरा भाई स्पोर्ट्स का बहुत शौकीन था, तो हॉकी में एज ए गोलकीपर स्पेशल स्कूल की तरफ से भी खेलता रहा। उसके अलावा बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से भी खेला और बलूचिस्तान लेवल पर भी खेला। उसके बाद वो पाकिस्तान जूनियर अंडर 17 के ट्रायल के लिए भी सिलेक्ट हुआ। 2009 में हम हन्ना लेक गए थे। शुरू में उन्होंने कहा कि हम यहाँ से पैदल जाएंगे और पैदल आएंगे, तकरीबन 12 घंटे होते थे। वहाँ 2-3 घंटा रहने के बाद हम वापसी आए, तो 2.5-3 घंटे पैदल चलने के बाद भाई ने कहा कि नहीं मैं थक गया। वो खुद किसी और के साथ बाइक पे आ गए और हम फिर पैदल आए। बस उनकी ये शरारतें बहुत याद आती हैं। हमेशा बाप से ज़्यादा नहीं पूछता था, मम्मा आपसे पूछते, मैं अब्बा से ज़्यादा मैं आपको प्यार करते, अम्मा मैं आपके साथ ज़्यादा होते। हमेशा हमको यही बोलते थे, अब्बा हम अम्मा को प्यार करते, आप नाराज़ तो नहीं? मैंने बोला नहीं। बोलते अब्बा आप घर नहीं होते, अम्मी होते, इस वजह से हम लोग चीज़ मांगते हैं, जो मशवरा करते हम लोग को पढ़ाई बढ़ाई का, अम्मी घर बैठ के ख्याल। खाने पीने में अच्छा खाना अच्छा पीना पसंद था। जब बाहर से आते अम्मा क्या बनाया, मैंने बोला दाल बनाई, अम्मा बिरयानी नहीं बनाया, अम्मा पुलाव नहीं बनाया, अम्मा रोस्ट नहीं बनाया। अल्लाह उसको जिसने किया ये दहशत गर्द उन लोग को समझा। मुसलमान के ममालिक, मुसलमान फौज, मुसलमान हुकूमत ये नहीं संभाल सकते। अभी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह जिसने करना है और करना है उसका हिदायत कर, जो किया उसका अल्लाह उसका समझा। आरिफ की शादी नहीं था, कोई औलाद नहीं था, खाली उसकी तस्वीरें रह गया। सब बोलते शहीद जिंदा है, अभी यही उम्मीद है उसके नाम पर, हम जिंदा हैं।